हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेज में इन विच ए बी पैरेलल डी सी। तो पहले तो एक ट्रेपेज में बनाते हैं ए बी डी सी, तो यानी ए बी यहाँ पर हो गया और ये डी सी हो गया। तो ए बी डी सी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इनके जो डायगनल हैं वो ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटर बाइसेक्ट नहीं कर रहे बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओ पॉइंट दे दिया हमने यहाँ को। इसके बाद हमें प्रूव करना है शो दैट। तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाऊंगे शो दैट क्या कर रहे हैं। गिवन में क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल डी सी। जो बच्चे लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी वो रॉन्ग होता है, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू किया है तो ए बी डी सी के ही पैरेलल है, और बुक में भी देखिएगा डी सी ही दिखाएगा। और ओ कहीं पर डायगनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ए बी पैरेलल डी सी। टू प्रूव, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ, हमको ये प्रूव करना है। तो देखो बच्चा, पहले मैं प्रूफ लिखती हूँ, फिर आपको पहले समझाऊँगी, फिर करना स्टार्ट करूँगी प्रूफ। देखो बच्चा, इसने क्या बोला है, ए ओ अपॉन में बी ओ। तो पहले तो देखो ए ओ है कहाँ पर, तो ए ओ इस साइड पे आएगा, यानी ए ओ ये वाली साइड हो गई आपकी, और बी ओ कौन सी साइड हो गई, ये वाली। मतलब ये हमारा आधा ट्राइंगल एक बन गया, आधा ट्राइंगल हमारा एक बन गया। सी ओ, तो सी ओ ये हो गया सी ओ, ठीक है। तो यानी हमारा एक ट्राइंगल तो इस लाइन को लेकर के बना है, और हमारा क्या हो रहा है, ए ओ अपॉन में ये आएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा क्या है, डी ओ, तो डी ओ ये हो रहा है। तो मतलब हमारी कौन सी दो लाइंस मैच हुई, ये वाली। यानी हमारा ट्राइंगल कौन सा होगा, एक ट्राइंगल तो बनेगा हमारा ए डी सी, देखो ना ए डी सी, इसके लिए बेस ही आ गया ए डी सी, एक ट्राइंगल तो बन गया हमारा ए डी सी। और दूसरा ट्राइंगल क्या बन गया, इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लेंगे, ए बी सी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बन गया हमारा ए बी सी, तो हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा ए डी सी और दूसरा बन रहा है हमारा ए बी डी। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप, जौन सा आप जो भी आप लेना चाहो, जौन सा भी लेना चाहो वो ले सकते हो। तो मैं अगर पहले लूँ ए डी सी, तो अगर मैं ए डी सी ट्राइंगल ले रही हूँ, तो इसमें हमने क्या सुना है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो हमारी बी पी टी थ्योरम कहती है कि साइड्स का रेशियो होना चाहिए। तो देखो बेटा, ए ओ अपॉन में ओ सी तो बन रहा है साइड्स का रेशियो, लेकिन यहाँ पर कोई साइड्स का रेशियो नहीं बन रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसको हमने करा ई पॉइंट दिया, जॉइन ई ओ पैरेलल टू ए बी, ये यहाँ लिखते हैं, जॉइन ई ओ पैरेलल टू ए बी। मतलब हमको जो करना है वो ई ओ को कैसे पैरेलल डालना है, ए बी के पैरेलल डालना है। अब ए बी के पैरेलल तो ये ऑटोमेटिकली डी सी के भी पैरेलल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल है। अब देखो प्रूफ यहाँ से करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में लेते हैं, तो देखो बेटा डी ई अपॉन में ई ए आएगा हमारा, डी ई अपॉन में ई ए इज इक्वल टू, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी डी, यानी डी ओ अपॉन में ओ बी। क्यों, क्योंकि अगर ट्राइंगल की एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो साइड्स का रेशियो बराबर होता है, और वो कौन कहता है, बी पी टी बहन जी कहती हैं हमारी, ठीक है, बी पी टी बाय बी पी टी। उसके बाद अगर हमने दूसरा ट्राइंगल, तो दूसरा ट्राइंगल क्या आया है हमारे पास में, हमने अभी ट्राइंगल लिया है ए डी बी, तो दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। आप अगर आप ए सी डी में देखो तो ओ सी अपॉन में ओ ए आ रहा है आपका, और डी ई अपॉन में ई ए आ रहा है। तो डी ई अपॉन में ई ए इसमें भी आया था और इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों को एक साइड ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, इस साइड ही लिखेंगे, डी ई अपॉन में ई ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ ए,
ए ओ भी लिख सकते हैं, ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, और ये भी किस लिए हो रहा है, बाय बी पी टी ही हो रहा है ये भी, ठीक है। अब देखो आपको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिला, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिला, डी ई ई ए, मतलब इन इन दोनों के एल एच एस बराबर हैं तो इनके आर एच एस भी बराबर होंगे, यानी डी ओ अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ ए। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना था, ओ ए ऊपर चाहिए था और डी ओ नीचे चाहिए, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ओ ए को इधर ले जाएं, डी ओ डी ओ को इधर ले आएँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो बस इसको ऐसे ही कर देंगे, ओ ए अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ डी, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना होता बेटा, जो गिवन दे रखा होता है क्वेश्चन करना उससे स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल निकालना आना चाहिए, तो पहले देखते हैं कौन कौन सी साइड्स का इन्होंने रेशियो दे रखा है और उन्हीं ट्राइंगल्स को हम चूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।